नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। ये ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज का ये वीडियो दिल्ली से लेकर नैनीताल का जो मेरा टूर है उसी के ऊपर है। दोस्तों, हमने थोड़ा दिल्ली से लेट शुरू किया था तो हम नैनीताल पहुंच नहीं पाए। ये मुरादाबाद और रुद्रपुर के बीच में एक जगह पे हम ठहरे हुए थे और ये सुबह का अभी शुरुआत हुआ। हमारा आशीष जो है कैमरा लेके यहाँ पहुँच गए, तो इस वक्त मैं सोया हुआ ही हूँ, तो अभी जाग रहा हूँ। और ये है जागने के बाद हम जो देखा कि हमें बहुत जल्दी शुरू करना था, लेकिन क्या रात को हम इतने थक गए थे, रात के लगभग 12:30 बजे हम यहाँ पे टेंट लगाए थे तो बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो अभी यहाँ से जल्दी जल्दी हम शुरू करते हैं। यहाँ से निकल के हम नैनीताल के लिए चल पड़े और ये नैनीताल पहुँचने से लगभग 10 से 11 किलोमीटर के पहले ये एक जगह है जहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना रखा है। अब पूरे उत्तराखंड में जहाँ भी जाएंगे हर एक जगह में एक ना एक चीज़ आपको कॉमन मिलेंगे, या तो सेल्फी पॉइंट, व्यू पॉइंट, या फिर सुसाइड पॉइंट, चाइना पॉइंट, ये सब अलग अलग पॉइंट के नाम से एक्चुअली टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बना के रखा है। हालांकि इसमें होता ऐसा कुछ नहीं है कि जो बहुत कुछ हम सोचते हैं, ऐसा बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ये सब जगह बना रखा है। ये एक जगह है जहाँ के नीचे एक गांव है और उसके ऊपर एक सेल्फी पॉइंट बना के रखा है, जहाँ पे जो भी राइडर्स हैं हमारे तरह वो यहाँ रेस्ट करते हैं। आसपास खाने पीने का भी दुकान है और लोग यहाँ पे करते हैं। ये हम अभी नैनीताल पहुँच गए। नैनीताल, ये नैनीताल लेक है जो पूरे दुनिया में फेमस है और यही वो लेक है जिसके बारे में हम अक्सर नैनीताल के बारे में सोचते ही जो लेक हमारे दिमाग में आता है यही लेक है। इसके आगे ये गाँव है, आपने बहुत सारे कैलेंडर्स में भी इसका फ़ोटो आता है देखे होंगे। और आज के दिन में इस लेक में जो नेचुरल बहुत कुछ तो बचा नहीं है, सब कुछ ये आर्टिफिशियल बोटिंग हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, स्विमिंग राफ्टिंग भी होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है यहाँ पे अभी करने लायक ये बोटिंग ही बचा है, बाकी मैकेनिकल बोट है सारे, कोई इलेक्ट्रिक बोट की अभी तक सुविधा नहीं है, जेट स्की यहाँ पर होता नहीं है। तो अभी भी थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट अच्छा बचा हुआ है। लेकिन नैनीताल में जो सबसे ख़ास चीज़ देखने जो हमें लगा है वो है यहाँ का एनवायरनमेंट। लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ गर्मी से बचने के लिए आता है, बाकी जो नेचुरल ब्यूटी है वो तो है ही। उसके ऊपर से ये लेक के सामने अगर आप खड़े रहेंगे, जैसे मैं अभी इतना थका हुआ था, जहाँ दिल्ली की गर्मी को तो बहुत ज़्यादा याद आते हैं कि यार कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ दिल्ली और कहाँ नैनीताल, ये हाल है यहाँ पे। नैनीताल में बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। ये जो सामने दिख रहा है बोर्ड के उस पार में, यहीं पे माता नैना देवी का मंदिर है। ये नैना देवी, माता नैना देवी का मंदिर आधा आधा दिखाई दे रहा है। इसके लिए लेक के उस पार से जाना होता है, जहाँ हम बाद में चलेंगे। तो नैनीताल में जो सबसे जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, ये बिल्कुल नैनीताल सिटी पहुँचते ही, जहाँ आपको बस से भी आएंगे तो बस से उतरते ही सीधा बस स्टॉप के सामने ही ये नैनीताल लेक है। और इस लेक के चारों ओर ही वो सारे डेवलपमेंट है जिसको हम नैनीताल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आएंगे तो हमारे तरह टेंट ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे होटल का रेट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा, 3,500 से तो शुरू होता है, 5, 6, 7 जिससे जितना ले सके। और होटल वाले भी यहाँ पहले रेट नहीं बताते, बुला के ले जाते हैं, आइए आइए सर, और जाने के बाद ये पहुँचता है। और ये लेक के बाद जो अगला जो हमारा पॉइंट टारगेट था, हम उस पर गए थे, ये था इको कैब गार्डन। इको कैब गार्डन इसको इसलिए कहा जाता है, यह जो कैब्स है, ये कैब बहुत ज़्यादा पुराना कैब है और इस कैब को आज तक कोई कैब में कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है, जैसे नेचुरली बना हुआ था। यह 6 कैब है एक साथ, इसमें से सबसे पहला जो कैब होता है वो टाइगर कैब है। अभी हम जो ये टाइगर कैब के अंदर है, जो हमारा आप हमारे कैमरे में अभी देख रहे हैं, हाँ ये टाइगर कैब है और ये इस कैब से शुरू होता है बाकी 5 कैब का रास्ता। तो ये देखिए टाइगर कैब के अंदर, यहाँ का जो अंदर इतना ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है, आप ये सोच सकते हो कि इसके अंदर अगर हम गर्म पानी भी लेके जाएंगे तो वो भी ठंडा हो जाएगा। फिर मतलब आपको इसके अंदर अगर पानी रख के पी लेंगे तो फ्रीज की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पूरे उत्तराखंड में अब अगर जाएंगे और आप अगर ट्रैवल ग्रिक हो, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है,
नेचुरल चीज़ें देखना अच्छा लगता है तो उत्तराखंड सबसे बेस्ट जगह है, ख़ास करके नैनीताल। और दोस्तों इस टाइम पे नैनीताल में आने से एक चीज़ का ध्यान रखना, बाइक से आओगे तो उनको ऐसा दिखाई मत देना कि हम बाहर से आ रहे हैं, तो राइडिंग गियर जितना कम पहनोगे उतना ही शांत रहोगे, क्योंकि अभी बाइकर्स को नैनीताल में एंट्री नहीं दे रहे हैं, हमें भी नहीं दे रहा था, फिर हमने कुछ और ही रिक्वेस्ट वगैरह करके कुछ ऑफिशियल पर्पस दिखा के फिर हम अंदर एंट्री लिए हैं, तो बाइकर्स को एंट्री नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ ट्रैफिक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है और इस टाइम तो नैनीताल में बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो दोस्तों जून जुलाई के महीने में गर्मी से बचने का तो सबसे अच्छा जगह ये है, मैं तो कहता हूँ ये घर ही बना लो यहाँ पे हर कोई और यहीं पे आके पड़े रहना। अभी जो ये टाइगर्स कैब के बाद ये आएंगे लायंस कैब, इसका जो अगला कैब जो अभी हम जिसके अंदर चल रहा है ये है लायंस कैब। इस कैब में यहाँ के लोगों के मुताबिक यहाँ बहुत पहले लायन रहा करते थे और उसके बाद जब ये धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का रहना शुरू हुआ, डेवलपमेंट हुआ, लोग आना शुरू हुआ, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना स्वीट है, लोगों ने ये ढूंढना कुछ अलग करने का सोचा, तब इस जगह को एक पार्क के रूप दे दिया गया, इसको क्लीन किया गया और एक पार्क बना दिया गया। जैसे यहाँ अभी बहुत सारे और कैब आएंगे, फ्लाइंग फॉक्स कैब, मंकी कैब, लायंस कैब, बियर्स कैब, तो इस तरह से बहुत सारे कैब हैं। अभी एक हर एक कैब के अंदर आप देख सकते हैं जो पत्थर है वो कितना इतना छोटे छोटे सपोर्ट में लगा हुआ है, बहुत डर भी लगता है इसके अंदर। क्या अभी आप देखेंगे कि जाने का जगह बिल्कुल नहीं है, बड़े मुश्किल से निकलना पड़ रहा है इस कैब में से। सिर्फ जानवरी मतलब एक जानवर के लिए ही ये कैब, सही मायने पे एक जानवर ही यहाँ से निकल सकते हैं, इंसानों के लिए तो यह बहुत मुश्किल है। जैसे अभी आप देख पा रहे हैं ये जो मेरे आगे एक छोटी सी बच्ची है जो बड़े मुश्किल से निकल रहा था, अभी अगले आ रहा है। तो दोस्तों अगर आपको नैनीताल में कहीं पे घूमना है, कहीं पे आपको ठंडियों का मज़ा लेना है और थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ भी हो जाए, तो फिर ये जो इको कैब गार्डन आपके लिए सबसे अच्छा जगह होगा, जहाँ पे आपको दोनों चीज़ मिल जाएंगे, आपका थोड़ा बहुत फिजिकल भी हो जाएगा और इतना अच्छा नज़ारा भी देखने को मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हैं एक कैब जाके दूसरे कैब से जोड़ता है, ये हमारे ग्रुप के बाकी लोग भी थके हुए आ रहा है, इस ग्रुप को तो फिलहाल मैं ही लीड कर रहा था, बाकी अगले कैब में अगले कोई और लीड करेंगे हम में से ही, जो आप अभी देखेंगे। ये आ गया कौन सा कैब है ये, हाँ ये बच्ची को आप देखते हैं, कितना छोटा बच्चे भी पार नहीं हो सकते, पार नहीं हो पा रहा है। इस कैब का जो मुख्य द्वार है उसमें सीढ़ी लगा के पहले हमें नीचे उतारा गया था, एक सीढ़ी बना हुआ है नेचुरल ताकि लोग आसानी से उतर सके, फिर अंदर का दृश्य ये है। अभी ये कैब का बाहर है जो एक पूरा पार्क की तरह बना रखे है, इसके ऊपर एक बाद में हम दिखाएंगे एक शिखर भी है जिसके जहाज आने से पूरा नैनीताल सिटी भी दिखाई देते हैं। और ये आ गया फ्लाइंग फॉक्स कैब। फ्लाइंग फॉक्स जो है एक छोटा सा जानवर होता है जो चमगादड़, बिल्कुल चमगादड़ जैसा ही होता है, लेकिन उसका जो मुंह है वो फॉक्स के जैसा होता है, लोमड़ियों के जैसा होता है। तो ये जानवर आज के दिन में भी इसके अंदर अभी भी चमगादड़ मौजूद है, जब हम इसके अंदर है तो हमें चमगादड़ की बदबू आ रहा था। और इस कैब को अभी इस कैब में ऐसा जानवरों के अंदर तो मैंने सिर्फ चमगादड़ ही देखा है और अभी कोई दूसरा जानवर है नहीं। इस टाइम पे इस कैब को सिर्फ और सिर्फ एक पार्क के रूप में ही रखा गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं बचा। बाकी और भी बहुत सारे चीज़ें हैं नैनीताल में, जैसे अभी लेकिन हम लोग ये गलत टाइम पे आए हैं, आगे जाके हमने देखा है कि स्नो व्यू पॉइंट भी है या चाइना पॉइंट भी है जहाँ से ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखता है, वो भी है, स्नो व्यू पॉइंट भी है, लेकिन आज अभी तो कोई स्नो बचा नहीं है। इस टाइम पे नैनीताल में जो है पीक गर्मी चल रहा है तो यहाँ कुछ ऐसा बचा नहीं है, इसलिए हमने सोचा कि जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम इसी कैब में बिताएंगे और कैब का एक एक चीज़ें आप तक पहुँचाएँगे। और हम लोग यही इसी कोशिश के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा कैब की एक एक चीज़ें, जो ये कैब है आप देख सकते हैं पत्थरों की हालत, यहाँ पे क्या है हर एक पत्थरों में पानी आज भी थोड़ा थोड़ा करके पानी आता रहता है,
और उस पानी से ये भी इतना ज़्यादा फिसलन जैसा बना हुआ है कैब के अंदर, चलना मुश्किल है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ जो ये माता जी भी है, बहुत सारे मैंने अंदर भी बहुत लेडीज़ देखा है जो शायद 10 कदम भी चल नहीं पाएंगे बाहर, लेकिन इस कैब के अंदर आके पता नहीं लोगों पे एक अलग सा जोश भर जाते हैं। सब हर कोई चल रहा था, हर कोई इसका कंप्लीट कर रहा था, जो भी अंदर जा रहा था सब लोग अंदर से आराम से बाहर आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं था किसी को। ये है पेंथर्स कैब। इस कैब का खासियत यह है कि इसको घुसना तो बहुत आसान है लेकिन निकलना थोड़ा मुश्किल है इसके अंदर। सामने वाला जो रास्ता है वो बहुत ही छोटा है, एक एक बंदे वो भी बिल्कुल सो के ही निकल सकते हैं, बाहर निकलना इसमें थोड़ा मुश्किल है। ये अभी आप देख सकते हैं, ये इधर से ही निकलना है जहाँ से अभी आशीष आ रहा है, यही एक रास्ता है जहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। तो पेंथर्स कैब में हमें थोड़ा सा दिक्कत हुआ था और बाकी लोगों को भी देखा है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रहा था आने में। ये यहाँ तक तो हर कोई नहीं आ रहा था, आगे का ये रास्ता है इस कैब में। बिल्कुल बहुत बहुत सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर नेचुरल लुकिंग कैब है जिसको आप एंजॉय कर सकते हो हॉलीडे स्पेंड करने के लिए। तो अगर आपको हॉलीडे का प्लान है और आपको नेचुरल चीज़ें देखना अच्छा लगता है तो मैं तो कहूँगा आप पूरे बाकी इंडिया को छोड़ के नैनीताल जरूर एक बार ज़रूर आइए। ये जगह इतना अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा है, यहाँ का एनवायरनमेंट बना ही इस काम के लिए है। ये दूसरा कैब है, ये सर बैट्स कैब है। ये देखिए दूसरा कैब, ये आखिरी कैब है जो जिससे जाके हम बिल्कुल बाहर निकल जाते हैं। और ये बिल्कुल बाहर से हमें जोड़ रहा है। और इस कैब में देखिए एक जगह पे इस कैब में था जहाँ से पानी भी आज भी पानी बह रहा है, इस कैब के अंदर पानी अभी भी मौजूद है, वो हम अभी आपके आगे निकालेंगे। और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा ये टूर, हमने ये टूर किया आप तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जैसा भी लगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। आप कमेंट में बताइए कि हम इसमें कोई क्या इम्प्रूव करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेंगे। आपके हर एक सजेशन हम पॉजिटिवली लेंगे। और इसी के साथ आज के ये वीडियो अभी समाप्त करने वाला हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए, आप लोग शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। Gracias.